हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक्चुअली मेरा नाम है सुधीर और हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4-5 आज पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे 156 mm दे रखा है तो हमें इसे अब उल्टा करना है, सेंटीमीटर और mm में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तब हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। तो mm से जब सेंटीमीटर पर जाएंगे तो अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 mm। 1 mm आपका इक्वल टू कितना होता है? 1/10 cm, ठीक है ना। 1 cm का 10वां पार्ट आपका क्या होता है? 1 mm होता है। अब यहाँ पे लिखा है 156, तो देखिए जहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 156 mm, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 156/10 cm। अब देखिए इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 10 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है किसको? 156 को, ठीक है। तो हम कर लेंगे 10 × 1 = 10, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या रहा? 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या है? 6 है। तो 10 × 5 = 50, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है? 6। तो देखिए जो ऊपर आ रहा है, जो कोसेंट आ रहा है आपका, ठीक है ना, कोसेंट को हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में। और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों, इसे हम लिखेंगे mm में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15 cm 6 mm, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं 15 cm और 6 mm। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इजी लगे। तो चलिए 6, 4, 3, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको याद हो जाए। 1 mm इक्वल टू 1/10 cm, ठीक है। तो 1 1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 6 4 3 6 4 3 mm इक्वल टू 6 4 3/10 cm, ठीक है। 10 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों यहीं पे, ठीक है। 6 4 3 6 60, ठीक है। 10 4 = 40, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3। तो ऊपर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में। और जो रिमाइंडर बचा है उसे किस में लिखेंगे? mm में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 64 cm और 3 mm। देखिए इसको लगाने के तो बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आप अभी छोटे हैं। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 4 3/10, तो देखिए अगर इसके नीचे 10 है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 6 4 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो 10 है, यहाँ पे 1 और 0 होना चाहिए, तो 10 है 1 के साथ, तो यहाँ पे राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में, इसे हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में। और जो लेफ्ट साइड में, सॉरी ये लेफ्ट साइड में था ना 64, तो इसे सेंटीमीटर में। और पॉइंट के राइट साइड में 3 है तो इसको mm में लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये काम अभी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आप ऐसे ही करिए डिवाइड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं, सी नंबर पे 200 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 mm इक्वल टू 1/10 cm। 200 है, 200 mm लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 200/10 cm, ठीक है। देखिए यहाँ 10 से 10 भी आप काट सकते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 20 cm, ठीक है। चलिए या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए, चलिए ऐसे भी कर लीजिए, 10 200 है तो 10 × 2 = 20। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 0, अभी तक हमने इसको डिवाइड नहीं किया, तो 10 से 0 डिवाइड होगा नहीं, तो 10 आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 10 आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है उसको हमें एक बार डिवाइड करना कंपलसरी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 cm। अब 4 6 0 है तो लिख लेंगे 1 mm इक्वल टू 1/10 cm, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 0 mm लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 6 0/10 cm, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 46 cm, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 6 0, तो 10 4 = 40, यहाँ पे 6 आएगा 0, 10 6 = 60, खत्म हो गया।
रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, तो एमएम में कुछ आएगा नहीं, ऊपर ये केस में आएगा सेंटीमीटर में। तो इतना क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं, 965। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 965 mm इक्वल टू 1/10, सॉरी यहाँ पे भी लिखेंगे 965 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, 10 से डिवाइड कर देंगे किसको, 965 को। 10 9 90, ठीक है, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 5, 10 6 60, यहाँ पे बचा 5। तो ये किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर, और ये आपका किस में आएगा, एमएम में। तो इसका आंसर होगा 96 सेंटीमीटर, और ये होगा आपका 5 mm, ठीक है। इतना हमने कर लिया। एफ नंबर पे आते हैं, 158 mm। तो चलिए इसको भी करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 158 का क्या होगा, 158 mm इक्वल टू 158/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 158 को, 10 1 10, 5 8 10 5 50 8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, किलोमीटर मीटर में हमें चेंज करना है इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 meter इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो 1 meter होता है वो 1000, 1 meter क्या होता है, 1 किलोमीटर का 1000 पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे 3685, वही काम करेंगे जहाँ जहाँ पे 1 है, मीटर 3685/1000। ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, किलोमीटर। अब क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो लिख लेंगे 1000, 3685। तो यहाँ पे 3 कितना होगा, 3000, ठीक है, हमने लिख लिया, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे 3000 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ पे 33 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर क्या बचा है, जो ऊपर आएगा उसे किलोमीटर में, और जो रिमाइंडर में आएगा उसे मीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर 685 मीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, 1 meter इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 80906 meter इक्वल टू 80906/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ पे लिखेंगे 80906, तो 8 जाएगा, 8000 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90, बाकी सब कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है, और एक यहाँ पे 0 भी बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोस्तों ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 906। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 80 किलोमीटर और 906 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी नंबर पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 meter इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2611 meter लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पे हम करेंगे, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2611/1000 हमने लिख लिया,
यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर, अब 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है 2611, तो 2 सा कितना होगा 2000, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 611, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे किलोमीटर में और ये इसको लिखेंगे मीटर में, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, 2 किलोमीटर 611 मीटर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, तो एक बार फार्मूला लिखेंगे अपना, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना लिखना है 10001 मीटर इक्वल टू 10001/1000 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या लिखा है 10001, तो 10 1 1000, ठीक है, ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, 1 अभी हमने डिवाइड नहीं किया, तो 1 0 यहाँ पे लगेंगे, 1 0 यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर 1 मीटर, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5133 मीटर इक्वल टू 5133, यहाँ पे क्या होगा 1000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 से, किसको डिवाइड करेंगे 5133 को, तो 5 का 5000, यहाँ पे लिखेंगे 133, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 किलोमीटर 133 मीटर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो लिख लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना है 95108 मीटर इक्वल टू 95108/1000 किलोमीटर। तो क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है, कर दिया हमने 95108, 9 का कितना होगा 9000, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 51, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, इतना तो यहाँ रिमाइंडर आया, ठीक है, लेकिन अभी 8 यहाँ पे बाकी है, जैसे ही ये लाइन खींचते एक नंबर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 10 1000 5 का कितना होता 5000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 108 रिमाइंडर। तो इसका जो किलोमीटर है वो क्या है 95 किलोमीटर और 108 मीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर और मीटर में। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। फाइनली मिलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे 10.3 में, तब तक के लिए नमस्कार।